48 साल बाद पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार। इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं हम बार बार, लेकिन इन सब के बीच फिर एक बार मोदी सरकार। शशि शेखर जी, हमारा एग्जिट पोल तो सही साबित हो ही रहा है, रुझान अभी आए हैं, नतीजों का इंतजार है, लेकिन इन सब के बीच 338 इनकम्बेंट पार्टी 338 पर आगे, बड़े संकेत ये हिंदुस्तान की राजनीति में, और सेंचुरी से एक नीचे यूपीए 103 पर अन्य। शशि शेखर जी, देखिए अब ये बिल्कुल तय है लगभग कि ये नरेंद्र मोदी दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ दो बातें बहुत साफ हैं। जीत के कारणों पर चर्चा बहुत हो चुकी, लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी के आगे का रास्ता है, ये अगर नरेंद्र मोदी इसका सहज तौर पर पालन करते हैं तो आने वाले दिनों में वो इंडियन पॉलिटिक्स में एक लीगेसी कायम करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया और विश्व के उथल पुथल के इस दौर में इतने प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में आना बहुत आसान बात नहीं थी। मैं ये सारी टिप्पणी शुरुआती रुझानों पर ही कर रहा हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि 2 बजे के आसपास हालात में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, लेकिन ये तय है कि नरेंद्र मोदी के जो लीडरशिप पे जो गठबंधन चल रहा है वो नंबर वन होने ही होने जा रहा है बाय ऑलवेज। तो अब नरेंद्र मोदी के पास एक ये मौका होगा दोबारा शपथ ग्रहण करने के बाद कि वो एक लीगेसी कायम करें। दूसरी बात, भारतीय राजनीति में ये कुछ पाखंडों और कुछ जो पुरानी घिसी पिटी मान्यताएं थे, अब मुझे लगता है कि उस केचुल को उतार फेंकने का वक्त आ गया है। भारतीय राजनीति में एक ऐसी शख्सियत का उदय हो गया है जिसकी एक सार्वदेशिक अपील है, वो अब सिर्फ किसी नॉर्थ या किसी वेस्ट का लीडर नहीं है, और उस सार्वदेशिक अपील का एक लाभ ये मिलता है कि कभी कभी जाति के बंधन पीछे रह जाते हैं, और यदि हम जाति प्रथा की राजनीतिक तौर पर विदाई देख रहे हैं तो ये आने वाले दिनों में एक सामाजिक परिवर्तन का भी द्योतक होगा। बस इसे आगे कैरी करने की ज़रूरत है। तो आज अगर एक दूसरी तरह की एक राजनीति उदित होती दिख रही है तो मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से सत्तारूढ़ गठबंधन चला तो एक नई राजनीतिक लीगेसी की भी शुरुआत हो रही है। आलोक जी एक बार 67 में, उसके बाद 71 में, फिर 80 और 84 में, तब इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, तीसरे ऐसे शख्सियत जो लगातार स्पष्ट बहुमत वाली सरकार लाते हुए दिख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक ईवीएम का रोना कोई क्यों नहीं रो रहा है, क्या हो गया है? मैं बता देता हूँ, राशिद अलवी साहब का एक बयान आ गया है जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि हम जमीन पर गए थे, उसको देखकर तो लगता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीट बीजेपी की आ सकती है। अगर ये आ रही है तो आप समझ लीजिए ये ईवीएम ही है जो किसी भी लीडरशिप को बना सकती है और बिगाड़ सकती है। बोलिए आप, उसके बाद रागनी से कमेंट लेते हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से राशिद अलवी साहब अभी जल्दबाजी में है, राशिद अलवी साहब को हम और आप भी बात करते रहे यहीं चैनल के बाहर भी कहीं ना कहीं, तो जानते हैं कि कई बार जिस तरह संगठन को मजबूत होना चाहिए था वैसा संगठन मजबूत नहीं हुआ। कांग्रेस की जरा लगातार जो कमी रही उत्तर प्रदेश में, क्या राशिद अलवी साहब नहीं जानते थे कि कौन अध्यक्ष है और कैसे संगठन चला? दूसरी तरफ अन्य जो मैं जोड़ना चाहता था मोदी जी की सफलता का, पहले हम लोग पिछले इलेक्शन में कहते थे आरएसएस का बहुत रोल है, आज भी होगा, लेकिन मोदी जी ने एक नई तरह का क्लास पूरा गुजरात के समय से उन्होंने जो तैयारी की थी पूरे देश में, मेरा ऐसा मानना है कि एक अलग फोर्स तैयार कर लिए समर्थकों की जो आरएसएस से भी आगे है, और मतलब बंगाल में भी तीन। अमर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके पहले रागनी आप जवाब दे दीजिए राशिद अलवी वाली बात पे, फिर अमर सिंह जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए रोहित जी, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि मतदाता जहां वोट देता है वहां वोट जाए, और इसमें किसी भी तरह का संदेह। आपने वोट डाला? सुनिए ना, आपने वोट डाला था? मेरी बात सुनिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे पता आप क्या सवाल पूछेंगे, आपने वीवीपैट देखी थी? आपने देखी? देखा था, मैं आपके सवालों को भी समझ रही हूं। सबसे पूछ लीजिए, इन्होंने अपना वीवीपैट चेक किया, क्या इनका वोट वहीं गया जहां जाना चाहिए था कि नहीं? मानते हैं कि देश में कुछ ऐसी जनसंख्या हो सकती है जिसको वीवीपैट को ठीक से देखना भी ना आता हो? वो सारी कांग्रेस को डालने जा रही थी और उसी का वोट उधर ट्रांसफर हो गया? नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वीवीपैट पर इस देश की सरकार ने हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया है, तो ये कहना कि चुनाव की मतगणना होने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है रागनी जी, आपकी 30 सीटें कैसे बढ़ गई अगर ईवीएम से खेल हो रहा है, तो ये बताइए ना, और आपकी 30 सीटें कैसे बढ़ रही? मान लीजिए अभी चुनाव की गणना हो जाती है, 5 पोलिंग स्टेशन में से 3 पोलिंग स्टेशन पे हमें कोई गलत, कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है, मेल में समानता नहीं दिखती है,
तो आप बाद में उसके क्या करेंगे? अमर सिंह जी, गणना तो पूरी हो गई है। अमर सिंह जी, मैं आपसे इस पर कमेंट लेना चाहता हूं, जो ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर आ रही है, प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल में, लगता है जीत का जश्न शुरू भी हो गया है। हालांकि अभी आगे चल रही है, नतीजों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बालकनी में खड़ी हुई है, उनके साथ भगवाधारी कई सारे उनके सहयोगी साथी खड़े हुए हैं, और नीचे ऐसा लगता है बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे, जिनको वो हाथ हिलाकर अभिवादन अभिनंदन कर रही थी। अमर सिंह जी, ईवीएम पर आप कुछ कहना चाहेंगे, जो बात रागिनी नायक कह रही थी, मोनिका उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, बोलिए। देखिए पहले कथानक बनी, चौकीदार चोर है, वो विफल हो गई, और अब एक कथानक बनाई जा रही है, मेरी महबूबा ईवीएम बेवफा हो गई। लेकिन ये महबूबा जब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और अन्य जगहों पर अगर अच्छे नतीजे देती है तो वफादार रहती है, और जब वो अच्छे नतीजे नहीं देती है तो जफा वाली हो जाती है। तो मीठा मीठा घूट और कड़वा कड़वा थू, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मोनिका अरोड़ा जी, ठीक है रागिनी जी, आप बताइए। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कि ईवीएम का रोना, मैंने पूछा ना, 10 बज गए अभी तक कोई ईवीएम का नहीं रो रहा जी, क्या कांग्रेस ने ये कहा कि ईवीएम ने जिताया है? मतलब हम तो क्या, हम तो अगर हम राशिद अलवी के बयान को, मतलब आप निजी बयान कहकर खारिज कर दें। आप बड़ा दिल दिखाइए, टीवी इतिहास में आप भी नया कीर्तिमान बनाइए, कहिए कि हाँ नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के बाद लगातार दूसरी स्पष्ट बहुमत की सरकार लेके आने वाले बड़े नेता हैं। अभी लेकिन रुझान है, हम भी इस समय एक चीज लेकिन बता रहे हैं, एक चीज बता रहे हैं, रुझानों में आज तक के एग्जिट पोल पर पूरी तरह से मुहर लग गई है। आज तक ने 339 सीट कही थी, 339 से 365, इस समय 334 पर आगे चल रहा है। पाटलिपुत्र सीट जहां रामकृपाल यादव केंद्रीय मंत्री है, वहां पर मीसा भारती उनके खिलाफ है, और मीसा भारती वहां आगे चल रही है। पिछली बार रामकृपाल यादव ने उनको हराया था, मीसा भारती को, लेकिन पाटलिपुत्र की सीट से फिलहाल आगे चल रही है मीसा भारती। 53,000 गिरिराज सिंह ने बहुत अच्छे से वहां पर एक एक कास्ट कम्युनिटी के हिसाब से वोट ब्रेकअप भी कर लिया, और उनका ये मानना है कि वो एक अच्छे बहुमत से वहां पर जीतेंगे, लेकिन पाटलिपुत्र की सीट पर नजर रखनी होगी। अशोक गहलोत के बेटे भी कम से कम 50,000 वोटों से पिछड़ रहे, ऐसी जानकारी आ रही है जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मीसा भारती का आगे चलना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त लालू यादव जेल में है और परिवार में कई चीजें, कई किस्म की फूट है, और फिर मीसा भारती का, यानी कि तेजस्वी यादव, सब लोग एकजुट हो गए इनको जिताने में, और पब्लिक हो गई, मुझे लगता है ये काफी महत्वपूर्ण रहे। ठीक रागिनी, अब बोलिए, फिर मोनिका जी उसके बाद आप बोलिएगा, बोलिए। देखिए मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करती हूँ कि ईवीएम जब तक 100% फूल प्रूफ नहीं होगी, तब तक कांग्रेस पार्टी ईसी के पास भी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएगी। आज के नतीजे को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? लोकप्रियता पर कुछ बोलिए, मैं उस पर भी बोलूंगी, बस 10 सेकंड। जब हम तीन प्रदेशों में जीते, उसके बाद भी हम डेलीगेशन लेकर ईसी के पास गए, जब स्ट्रांग रूम के कॉम्प्रोमाइज होने की खबर आई तो भी हम गए, हमने पूरा अपना विश्वास दिखाया ईसी के ऊपर, उन्होंने ठुकरा दिया। हम लगातार ये कहते रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीवीपैट का मिलान होना चाहिए, वो एक अलग मसला है। ठीक है मोनिका जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें सिर्फ 20 सेकंड का एक बहुत छोटा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन आपको बता दें 334 के साथ, रुझानों के मुताबिक स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है